Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. देख रहे हैं आज तक लगातार हम बने हुए हैं उस अहम बैठक पर जहां पर जो हमारे पहलवान हैं वो मुलाकात कर रहे हैं खेल मंत्री से। यहां पर अगर आप देखेंगे तो खेल मंत्री के भीतर घर के भीतर इस समय भी ये बैठक चल रही है जहां पर वो अलग अलग चार गाड़ियों में सवार होकर सारे पहलवान अंदर पहुंचे हैं जो कि आज मुलाकात के लिए भी गए थे खेल मंत्रालय के अधिकारियों के सामने। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, क्योंकि यहां पर खेल और राजनीति दोनों पहलुओं पर नजर रखनी पड़ रही है। लेकिन जो बड़ी खबर अब तक हुई है हम एक बार फिर विक्रांत उसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहली बात ये कि एक दिन के भीतर इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, ये खेल मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि बृजभूषण को एक दिन के भीतर उन्हें इस्तीफा देना होगा वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और दूसरी चीज कि बृजभूषण की तरफ से यह कहा गया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। आज तक को दिए इंटरव्यू में भी उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं एक अपराधी बनकर छोड़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन वो प्रधानमंत्री जिनका नाम बार बार हर खिलाड़ी ले रहे हैं हिमांशु, जो जैसे ही हमारे पदक जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका कॉम्पिटिशन होता है वो उनको फोन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो जीत कर आते हैं या फिर नहीं जीतते हैं तो भी उनसे मुलाकात करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। बजरंग से लेकर संगीता से लेकर विनेश सब कह रहे हैं कि पीएम पर भरोसा है। देखिए बिल्कुल पीएम पे ही भरोसा है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है उनको कि आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन जो हमारे भी सूत्र बता रहे हैं उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं 22 तारीख को जो उनकी काउंसिल की मीटिंग है अंदर उसमें इस्तीफा दूंगा। अब ये 24 घंटे वाली बात जो है, क्योंकि सरकार को लगता है कि सारे खिलाड़ी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं और अगर इससे कुछ ना हो भारत की साख पर बट्टा लगता है और प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से कोई खिलाड़ियों के जो है एलिगेशन लगाए और सरकार, क्योंकि पूरा विश्व देख रहा होगा जो भी रेसलिंग फेडरेशन है जिन जिन कंट्रीज में वहां पे ये जरूर इश्यूज को देखा जा रहा होगा। पीएम का ध्यान है इस विवाद, बिल्कुल पीएम का ध्यान है और इसीलिए मैं श्वेता कह रहा हूँ कि अनुराग ठाकुर अपना हिमाचल का दौरा बीच में छोड़कर यहाँ आए हैं तो पीएम का बिल्कुल ध्यान है और इसीलिए कमेटी बनाई गई 24 घंटे के अंदर एलिगेशन लगने के बाद। और फिर अनुराग ठाकुर का इन प्लेयरों से मिलना साफ साफ जाहिर करता है कि प्रधानमंत्री ने पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। एक ही है बस कि जो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का जो चार्टर है जहां पर द मोमेंट सरकारी इंटरफेरेंस दिखने लगे तो वो उस खेल को उसकी सदस्यता की रद्द कर देते हैं। बॉक्सिंग में भी हुआ था तो वो एक डर है कि आपको बनाना कुछ ऐसा ही पड़ेगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने इनको सस्पेंड कर दिया या इनको हटा दिया। वो अगर उस चीज को चैलेंज करते हैं जी सरकार मुझे कह रही है तो वो एक टेक्निकल पेज क्या वो करप्शन और सेक्सुअल मिसकंडक्ट के केस में क्या वो नियम बदल सकते हैं। और हिमांशु एक बार पहले हम पूरी वो इंटरव्यू सुन लेते हैं उनका जो बृजभूषण शरण सिंह ने जो बातें हमारे संवाददाता के सामने रखी है, जो सारी बातें अपना क्लैरिफिकेशन रखा है क्योंकि पक्ष आप दोनों समझिए। आप सुनिए पहले उन्होंने क्या किया और इस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। तब तक बृजभूषण जी, जिस तरीके से लगातार खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं आज की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, आपको क्या लगता है क्या संघ की तरफ से बातचीत की गई है उन्हें मनाने की, क्या बातचीत आज हुई है? देखिए ये खिलाड़ी दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के हाथ का खिलौना बन चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा को मैंने 2012 में चुनाव हराया था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर भी और मैंने चुनाव हराया था और ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, मेरे बहाने कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला है और कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार तलाशने की कोशिश कर रही है। आप खुले तौर पे कह रहे कि राजनीतिक साजिश आप? देखिए ऐसी साजिश मेरे साथ एक बार 1993 में भी कांग्रेस के द्वारा हुई थी और 30 साल बाद वही साजिश मेरे साथ दोहराई जा रही है। मैंने पहले ही कहा था ये षड्यंत्र है और इसके पीछे कोई ताकत है और वो ताकत आज खुल करके आ गई। दीपेंद्र हुड्डा का बयान और प्रियंका गांधी का ट्वीट और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हमलावर हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं उनके पास से पूरे सबूत हैं। आज बाकायदा खिलाड़ियों ने जब बात की प्रेस से तो बार बार कह रहे हैं कि हमें बोलने मत दीजिए, बहुत चीजें खराब हो जाएंगी। वो खुलकर बात करके उनके पास पूरे सबूत हैं। देखिए
मैंने पहले दिन कहा था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उस सबूत को देश की जनता के सामने रखना चाहिए, और ये फर्स्ट डे उनको करना चाहिए था, आज नहीं फर्स्ट डे ही उनको करना चाहिए था। और उनके पास मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर उत्पीड़न का आरोप मेरे ऊपर लगेगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, मैं 6 बार गोंडा की लोकसभा ने, यहाँ की जनता ने मुझको सांसद बनाया, 1 बार मेरी पत्नी को सांसद बनाया, मैं भी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि 2012 से लेकर के 10 साल हो गया मुझको प्रेसिडेंट बने, और 2008 से मैं कुश्ती से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप पद पर बने रहेंगे, आप जांच की बात करें, लेकिन निष्पक्ष जांच फिर कैसे हो पाएगी? लेकिन मैं अपराधी बन करके तो ऐसे इस्तीफा नहीं दे सकता, अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दे सकता। और अभी मैंने अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, देखिए एक प्रोसीजर है, मैं चुना गया हूँ, अकेले मेरा निर्णय नहीं है, मैंने देश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। संजोग से 21 तारीख से, यानी कल ही खिलाड़ी सुबह आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर ओपन नेशनल चैंपियनशिप है जो पहले से पूर्व निर्धारित थी, और जो हमारे बॉडी के मेंबर हैं वो पूरे देश से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन सबको इमरजेंसी में हमारे सेक्रेटरी ने एक बैठक कॉल की है, और 22 तारीख को हम लोगों ने बैठक रखी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी आरोप फेडरेशन के ऊपर, फेडरेशन के कोच के ऊपर, फेडरेशन के सचिव के ऊपर, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उसको हम लोग कार्यकारिणी के सामने रखेंगे और फिर अपना निर्णय लेंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का जो आरोप लग रहा है वो बहुत बड़ा आपराधिक मामला होता है, आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है, क्या आप तैयार हैं इसके? बिल्कुल तैयार हैं, हम दुनिया की किसी भी जांच, मैं CBI जांच के लिए तैयार हूं, मैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच हो उसको भी सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं एक सवाल तो उसे पूछने का राइट मुझे नहीं है। हरियाणा के कुछ चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके, हरियाणा के भी पूरे खिलाड़ी नहीं, चंद खिलाड़ी, एक परिवार कह सकते हैं, एक फैमिली कह सकते हैं, चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके आज देश का कोई खिलाड़ी उनको समर्थन कर रहा है? आपको क्या लगता है, भारत के ओलंपिक में पदक जीतने वाले, इतना मान प्रतिष्ठा लाने वाले, वो राजनीतिक मोहरा बन सकते हैं आपको लगता है? देखिए उनका खेल समाप्त हो चुका है, अब उनमें से किसी का पदक आने वाला नहीं है लगभग। और रहा सवाल ये कि अगर मैं इतना खराब, दिल्ली में ये बारिश की शुरुआत हो गई है, यहाँ खेल मंत्री के आवास के बाहर इस समय खड़े हैं जहां पर मुलाकात चल रही है, 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, पहलवानों से बातचीत भीतर चल रही है और यहाँ बरसात विक्रांत स्टार्ट हो गई है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच खिलाड़ियों को इंसाफ मिले वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं, क्योंकि श्वेता अगेन, आज रात को वो क्या लेकर जाएंगे? आज रात को वो कुछ लेकर जाएंगे अश्योरेंस, या फिर कल सुबह फिर जंतर मंतर पर बैठेंगे? छोटे बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, द मोमेंट कल जंतर मंतर पर दोबारा जाकर ये बैठते हैं तो आप फिर चले जाते हैं वहीं पर, आप वहीं चले जाते हैं जहां से शुरू हुआ था, फिर कल आप वहीं बातें करेंगे, फिर अपनी मांग रखेंगे, इसका मतलब ये भी है कि स्टेलमेट चलता रहेगा। आज इनको कुछ एक ऐसा कहते हैं ना, कूलिंग ऑफ, एक ऐसा निकालना होगा जहां पर कम से कम रेसलर्स किसी अश्योरेंस के साथ घर जाएं। राहुल रावत को बुलाते हैं। राहुल, यहाँ पर क्या कुछ पता चल पा रहा है अभी? देखिए फिलहाल मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि मीटिंग और कितनी देर और कितनी देर, क्योंकि मिनिस्टर ने आज इंटरवीन करके अगर मीटिंग बुलाई है तो उनका एक पर्पस है कि वो धरने पे दोबारा ना जाए सुबह, पर वो फिलहाल एक रास्ता ढूंढा जा रहा है, बट वहां से ये खबर है, WFI ने ये साफ कर दिया है, उनका जो स्टैंड है वो ये है कि ब्रिज भूषण शरण बोल रहे हैं, क्योंकि वैसे भी उनको मार्च में उनका टर्म खत्म ही हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसी हालात में मैं नहीं जाऊंगा, अगर आपको जांच करानी है, आपको जो करना है आप कीजिए, मैं आप पूरी जांच में आपका सहयोग दूंगा, पर मैं ऐसे नहीं जाना चाहता। पर एक तो नियम होता है ना, एक तो नियम ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस पद पर बैठा है कि वो किसी इन्वेस्टिगेशन को पर असर डाल सके, प्रभाव डाल सके, तो कभी भी किसी भी, सिर्फ खेल की बात नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है। पेंडिंग इंक्वायरी तो वही है कि उनको ये आप कह सकते हैं कि पेंडिंग इंक्वायरी आप कह दीजिए, लेकिन वो ये कहेंगे कि भाई आप जनवरी चल रहा है, मार्च में मेरा टर्म खत्म हो रहा है। तो ये सारी बड़ी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि यहां से एक मूव बनेगा, लेकिन उस मूव को वो कैसे मानते हैं, खिलाड़ी कितने रिजिड हैं अपनी अपनी बातों पर, वो भी देखना होगा यहां पर।
लेकिन धरने पर जो विक्रांत और मैं आज जब पहुंचे थे वहां पर, जब हमने सभी पहलवानों से जो मुलाकात करके लौटे थे, जो प्रतिनिधिमंडल गया था उनसे हमने बातचीत की, क्या बातें सामने रखी हैं उन्होंने वो सुनिए। एक लंबी लड़ाई है जिसकी शुरुआत जब हुई भी थी तो सबको मालूम था कि लड़ाई काफी लंबी हो सकती है। यहाँ सभी चेहरों पर लेकिन शिकन नहीं देखेंगे आप, चाहे विनेश हो, चाहे संगीता हो, चाहे बजरंग हो, चाहे साक्षी हो या फिर रवि, सारे खिलाड़ी देश के लिए पदक हासिल करते हैं, लड़ना जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी इमोशनल आप दोनों मुझे दिख रही हैं। देखिए, अगर हमारी जो जूनियर लड़कियां हैं वो लड़कियों का मुद्दा है इसलिए हम लड़कियां आई हैं, अदरवाइज तो हमारे जो मेल रेसलर है वही संभाल लेते, सबको देख लेते। हम लड़कियां इसलिए आई हैं क्योंकि हम लोगों ने इनको कभी सामने नहीं बताया, क्योंकि एक हम जिस एरिया से है, जिस कंट्री से है, उसमें शर्म हया नाम की कोई चीज होती है, आत्मसम्मान नाम की कोई चीज है, उसको हम छिपा के रखना चाहते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि अभी की हर चीज की लिमिट पार हो गई है, ना लड़के ना लड़के, अब लड़ना जरूरी था। जो बातचीत हुई ये बात रखी थी, जब आपको लगता है कि उस वक्त अगर सुन लिया जाता तो हालात इतने खराब ना होते? बिल्कुल, 2017 में मैंने फेडरेशन के खिलाफ में एक ट्वीट किया था, आप लोग अगर निकालेंगे मेरी ट्विटर से, उसी टाइम पे मेरे को अनडिसिप्लिन करके बैन कर दिया था। मैं अध्यक्ष जी के पास आई, अध्यक्ष जी ने एक दिन तो मेरे को बुलाया, उधर मेरे से बात की, मेरे को आंखें दिखा के डराया, जो भी उन्होंने मतलब बात क्या की वो डराना ही था। उन्होंने बोला कि हम कल फैसला करेंगे, कल आना। मैं कल फिर फेडरेशन में गई, सभी अधिकारी जितने भी थे उन्होंने बोला कि नेताजी के पैर पकड़ो, अदरवाइज तो आपका रेसलिंग का करियर खत्म है। मेरे को लिटरली उनके पैर पकड़ने पड़े थे। 2017 में मैं किस एज की थी आप देख लीजिए, आज से 5 साल पहले। जो प्राइम मतलब होता है, आज कोई बात हो पाई? अभी आश्वासन ही दिया गया है जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं जो ठोस कदम होगा तभी हम यहाँ से वापस जाएंगे, नहीं तो ये लड़ाई आप वाली बात है जो आप बोल रहे थे कि कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि जब देश के लिए लड़ते हैं तब पीछे नहीं हटते। ये तो हमारे जो जिसने सब कुछ दिया है कुश्ती ने हमें, उसकी लड़ाई, उसके बचाव की लड़ाई है। तो आपको क्या कहा गया है और आपकी मांग क्या थी आज? हमारी मांग है फेडरेशन को खंडित किया जाए, जो स्टेटों की फेडरेशन बना रखी जिन्होंने अपने गुर्के बटा रखे उनको भी खंडित किया जाए, सारा का सारा सिस्टम पूरे इंडिया की कुश्ती। तभी तो हम बोल रहे हैं कि पूरा इंडिया की कुश्ती खराब होगी, बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। ये सिर्फ फेडरेशन का नहीं था, हर स्टेट की कॉल, तभी तो सभी स्टेट से कॉल आ रही है लड़कियों की कि आप लोगों ने अच्छा किया दीदी, थैंक यू। हाँ, केरला से और महाराष्ट्र से कॉल आ रही है, केरला से पता नहीं कहाँ से नंबर निकाला है वो लड़कियां खुश हो रही है। ये सब कह रहे हैं कि हरियाणा वर्सेस यूपी है, ये नहीं है। ओलंपियन है, महिलाओं की रेसलिंग यूपी से अगर खत्म हुई है तो अध्यक्ष जी के शोषण के कारण खत्म हुई है। जो मेल रेसलर कुछ बचे हुए हैं जो पहले के हैं वो ही आए हुए हैं, नहीं तो हम महिलाओं को ब्याह के ले आते, लेकिन वो उनके क्षेत्र में रहती हैं, उनके गढ़ में है, वहाँ गुंडागर्दी ज्यादा होती होगी, उनको डर ज्यादा होता होगा, इसलिए वो लड़कियाँ सामने नहीं आ रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हमें पूरी आशा है, अगर ये आंदोलन लंबा चला तो अध्यक्ष जी के लिए खतरा बढ़ता है। साक्षी, देखिए ना, कहते हैं एक दिन का आप ट्रेनिंग अगर मिस करती हैं तो 9 दिन पीछे हो जाती हैं, तो ये तो पूरे देश का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, पूरे देश का, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, देश के गृह मंत्री जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। हम तो उन्हीं की उम्मीद आस पे बैठे हैं, उन्हीं के पॉजिटिव व्यवहार के कारण हम आज यहाँ बैठे थे, अदरवाइज तो फिर हम सहते रहते, खिलाड़ी मर जाते, खिलाड़ी आते जाते, हम आए हैं कल को कोई और आएगा, ये तो सिस्टम चलता रहता। हम इसी उम्मीद आस पे आए थे कि देश के प्रधानमंत्री जी हमें इतना मान सम्मान देते हैं, छोटी से छोटी बात हमारी सुनी जाती है। अगर हम इतने खिलाड़ी साथ में इकट्ठा होकर, हमें नहीं लगता था कि 2 दिन भी पूरे पकड़ पाएंगे हम, लेकिन उससे पहले सोल्यूशन हो जाएगा। हम यही सोच के आए थे कि हमारा सोल्यूशन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो सब अपनी ट्रेनिंग छोड़ के बैठे हैं, और वैसे ही हमारे देश में मेडल्स ओलंपिक्स में इतने कम आते हैं, और ऊपर से सब जो अभी के बार के जो ओलंपिक्स आ रहा है पेरिस में, सब दावेदार यहाँ बैठे हैं, सब हिंदुस्तान के अब तक कुल हैं, जिसमें से 7 रेसलिंग के हैं और 4 मेडल यहाँ पर बैठे हैं। बजरंग, आपने कहा कि सारे जो राज्य हैं उनके संघ, आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन आपने एक अल्टरनेटिव क्या दिया है कि आप एडहॉक कमेटी चाहते हैं, और अगर 22 तारीख को ये सब ना हो तो क्या होगा? देखिए, जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होता, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों को सम्मानित किया है, उनको बात हमेशा सुनी है, तो हमें पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी और खेल मंत्री जी से भी, वो इस चीज़ का समाधान निकालेंगे। और अगर इसका समाधान आज हम कल ऐसा ठोस कदम उठाएंगे, कल हम FIR भी करवाएंगे उनके खिलाफ, क्योंकि हमारे पास सबूत हैं। हम चाहते हैं कि किसी का भी नाम सामने ना आए, इसलिए हम चाहते हैं जो एक दायरे में जो चीजें
बंद हो गए करो, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लग जाएंगे। जो चीज का हमें डर था कि रेसलिंग का कैरियर खत्म हो जाएगा, तो फिर वही कोर्ट कचहरी में तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के लोगों को बुला लीजिए, प्रधानमंत्री जी बैठ जाएंगे, कोई तो ऐसा हो, लेकिन हम बड़े अधिकारियों से बात कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, लड़कियों का मामला है, हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। बात बताओ संगीता, सोनम, आप लोग सब तैयार है एक लंबी लड़ाई के लिए? हाँ जी, सॉरी मैंने सुना नहीं। मैं लंबी लड़ाई होने वाली है, बिल्कुल हम सभी इसी लड़ाई में साथ देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, चाहिए कितने भी दिन जाए, पर हम यहाँ उसी के लिए बैठे हैं। बिल्कुल लंबी लड़ाई, करियर छोड़ के बैठी है, छोटी छोटी लड़कियाँ करियर छोड़ के बैठी है, अभी बोलना भी इन्होंने नहीं सीखा है, तो नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रही है और वो अपना करियर दांव पे लगा के बैठी है, तो कुछ तो सोचना चाहिए। आखिरी सवाल बजरंग, कल क्या होगा और 22 तारीख के बाद क्या होगा? देखिए कल हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, हम इस्तीफे की मांग ही नहीं कर रहे, हम तो खंडित चाहते हैं ना, इस्तीफे की भंग होनी चाहिए, खंडित होनी चाहिए। वो अश्योरेंस नहीं मिली आपको? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है, और वही बोल रहे हैं अगर हम कल तक हमें नहीं कुछ मिलता तो हम लीगली भी एक्शन लेंगे, हम कोर्ट के थ्रू भी जाएंगे सारे, क्योंकि हमारे पास सबूत है, और वही बता रहे हैं हम दायरे में रह के करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की भी इज्जत है। लेकिन हम यहाँ से नहीं उठेंगे, अब विश्वास है, देश साथ है जी, बिल्कुल पूरा विश्वास है, बिल्कुल देश साथ है। मैं भारत माता की जय के नारे ही यहाँ पर सुन रही हूँ, और मुझे लगता है उसके साथ ही हम अंत करेंगे, जोर से लगा देंगे, एक दो नारे लगा दो भाई, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये देश के लिए पदक जीतते हैं और ये लड़ाई भी देश की ही है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो अब कल दोबारा लौटेंगे या नहीं लौटेंगे वो तय हो रहा है यहाँ पर इस बैठक में, और जल्दी से हिमांशु के पास एक ब्रेकिंग है, पीटी उषा जो कि आईओए की नई अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक इस बात पर एक स्टेटमेंट जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि जो भी खिलाड़ी हैं उनका सम्मान और उनकी चिंता आईओ की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वो हमारे साथ आए, हमारी अपनी जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, हमारे साथ साझा करें, हम इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आईओ का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, और जैसा विक्रांत भी बता रहे थे कि आईओ के हाथ में एक ऐसी पावर है कि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मेंबरशिप है सही, उसको सही तरीके से वो एक्ट हो सकता है, और उसी से कोई उपाय हो सकता है कि जो आपके अंदर मीटिंग चल रही है तो ये डॉट्स वहीं से कनेक्ट हुए। चलिए अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस बैठक पर हमारी नजर है, हम यहीं पर लगातार सब बने हुए हैं, आज तक के तमाम संवाददाता इस बारिश के बीच में भी, क्योंकि ये खबर देश के लिए जरूरी है। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।